और शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। एनआईए को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें, खास करके जो सीमांचल में पोस्टेड हैं। अभी तक न मुख्य सचिव ने, न शिक्षा के प्रधान सचिव ने और न ही मुख्यमंत्री ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पत्र सेट किया और जिसमें यह पूरा बटा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और यह स्पष्ट बताता है कि यह प्रश्न पत्र बिहार सरकार के मिलीभगत से हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार पर कार्रवाई करें, जिससे जो बिहार सरकार में सरकारी प्रश्न पत्र के द्वारा भारत को बांटने की जो नापाक साजिश हो रही है वह भारत के जनता के सामने आ सके।